हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल की हमने पहले भी दो मेथड्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड किया था। एवरेज प्रॉफिट की हमारी एक अलग वीडियो है और सुपर प्रॉफिट मेथड की हमारी अलग वीडियो है। अगर आपको वो दोनों मेथड्स नहीं आते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन दोनों ही मेथड्स को अच्छी तरह देखकर आइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो दोनों ही मेथड्स आपको अच्छी तरह आना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो उन्हीं दो मेथड्स पे बेस्ड है। अगर आपको वो दोनों मेथड्स अच्छी तरह आते हैं तभी आपको ये मेथड समझ आएगा। सो प्लीज, अगर आपको वो मेथड्स नहीं आते हैं तो आप वो वीडियो एक बार देख कर आइए। सो कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले हम कुछ 3-4 लाइनें इसका बेसिक्स देख लेते हैं। Under this method, goodwill of a firm is calculated through the capital invested or employed by the firm. So, क्योंकि इसका name ही capitalization method of goodwill है, इसका मतलब इसमें अगर हमें goodwill calculate करनी है तो हमें सबसे important element क्या पता होना चाहिए, वो है capital invested या फिर capital employed by the business, कि एक business ने अपने business में, एक firm ने अपने business में, एक पर्सन ने, एक पार्टनर ने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका पता होना जरूरी है। सो इसलिए इसका नाम भी कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल है। इसमें हम कैपिटल इन्वेस्टेड की हेल्प से फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी पता लग जाए और स्टेप्स भी पता लग जाएं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड करना है और मेथड कोई नहीं बताया जाता कि एवरेज प्रॉफिट का करना है या फिर सुपर प्रॉफिट का, तो आपको दोनों ही मेथड्स अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्पेशली लिख दिया जाता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है और उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, तो आपको वही मेथड अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर देना। सो हम स्टेप्स देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक स्टेप को उस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेप है कैलकुलेट दी एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी एवरेज प्रॉफिट की, तो उसमें हमने ये सीखा था कि प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस का हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं और एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस का हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं। सो सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है तो आप उसका डायरेक्टली एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट करके दिया गया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके दी गई हैं। इसका मतलब एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आपको पहले से ही प्रॉफिट जो है वो इयर्स का एडजस्ट करके दिया गया है तो आप में आपको उसमें से कुछ भी डिडक्ट या ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली उसका एवरेज कीजिए, आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही एवरेज करके ही दिया गया है तो आपको इसका मतलब एडजस्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरेज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करके दी गई है। सो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसमें ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म अर्न्स रुपीज 60,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट। सो अब इस क्वेश्चन में हमें 60,000 एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, इसका मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट नहीं दिए गए, हमें पहले ही एवरेज करके दिया गया है। सो अब हमें एडजस्टमेंट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हमें प्रॉफिट नहीं गिवन।
वहीं पर हमें अब एवरेज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी एवरेज करके ही दिया गया है। अगर आपको ऐसे नहीं दिया जाता तो सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो ऐड करना है उसको ऐड करेंगे और जो लेस करना है उसको लेस करेंगे। ऐसे करने से आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा और उस एडजस्टेड प्रॉफिट का आप एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो कि हमें इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास था, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए थी जो कि हमें गिवन है ₹60,000। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम। सेकंड स्टेप हमारे पास है कैलकुलेट दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेशन करने से पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मीनिंग भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल डेट अ बिजनेस शुड इन्वेस्ट टू अर्न दी अबव एवरेज प्रॉफिट। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है एक वो वैल्यू, वो कैपिटल की वैल्यू जो एक बिजनेस को इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वो एवरेज प्रॉफिट, अबव एवरेज प्रॉफिट अर्न कर सके। एक बार दोबारा बता देता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है वो कैपिटल जो एक बिजनेस को इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वो इतना प्रॉफिट अर्न कर सके। सो एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हम बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वो कैपिटल जो एक बिजनेस को इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर वो इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। सो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो फर्स्ट स्टेप में हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें हम अपना रेट लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर बिजनेस को इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए। एक्चुअल में उसने कितनी की है वो हमें नहीं पता, लेकिन कितनी करनी चाहिए इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो हम सेकेंड पॉइंट में फाइंड आउट करेंगे जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो सेकेंड सेकेंड पॉइंट में हम, या सेकेंड स्टेप में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10%। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%, सो नीचे हम 10 मेंशन कर देंगे। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी ₹6,00,000। सो ये हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड देख लेते हैं। सो थर्ड स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दैट इज द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय फर्म। सो सेकंड स्टेप में हमने फाइंड आउट किया कि एक फर्म को कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन थर्ड पॉइंट में अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली में उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की। इसको हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि फर्म ने एक्चुअल में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की अपने बिजनेस में। सो इसका मतलब अब हमें नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी है या फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। सो थर्ड स्टेप में हम अपनी नेट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे या फिर एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इम्प्लॉयड कि एक बिजनेस ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की अपने बिजनेस में। सो हमें दिया गया है द नेट सॉरी द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट ₹7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज ₹2,40,000। सो अब हमें फर्म की एसेट्स दे दी गई हैं 7,20,000 और लाइबिलिटीज दी गई हैं 2,40,000। इन एसेट्स में से गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट की जा चुकी है। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी एवरेज प्रॉफिट वाली, तो उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको सुजेस्ट किए थे। उन डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए या उन डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो इस क्वेश्चन में हमारे पास
कैपिटल इंप्लॉयड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज होगा, वो हम देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास वो फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देखकर आएं जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज सजेस्ट किए हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें एसेट्स दी गई हैं और लाइबिलिटीज दी गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला ही सूट करेगा, तो हम यही फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी नेट एसेट्स, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है ऑल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। सो एसेट्स में से हमें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी डिडक्ट करनी है। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि वो लाइबिलिटी जो हमने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, जैसे हमने किसी पर्सन से लोन लिया या फिर हमने किसी बैंक से लोन लिया, तो ये उसके रिगार्डिंग है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें जो एसेट्स दी गई हैं वो है 7,20,000। इसमें से माइनस करेंगे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 7,20,000 में से हमने गुडविल को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। सो गुडविल पहले से ही डिडक्ट है और लाइबिलिटीज हमें नहीं बताया गया कि कौन सी है, इसलिए हम इसको आउटसाइडर लाइबिलिटी मानते हुए डिडक्ट कर देंगे। सो डिडक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, सो वो आएगी हमारे पास ₹4,80,000। सो ये हमारा थर्ड स्टेप। अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं जो कि एक फॉर्मूला है। सो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि हमने सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट की, उसमें से डिडक्ट कर देंगे नेट एसेट्स जो कि अभी हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट की। सो इसका मतलब सेकंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप, वो हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। सो फोर्थ स्टेप गुडविल की वैल्यू, जिसमें से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इसको हम नेट एसेट्स कहेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास आई थी 6,00,000। नेट इन्वेस्टमेंट 4,80,000। सो डिडक्ट करने पर हमारे पास अमाउंट आएगी ₹1,20,000। सो ये हमारी गुडविल की वैल्यू है और ये हमारा फाइनल आंसर है। कैपिटलाइजेशन मेथड में अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो नेम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में मेनली एवरेज प्रॉफिट को यूज किया था, वैसे ही सुपर प्रॉफिट में हम सुपर प्रॉफिट को ही यूज करेंगे, जो कि हमारा सेकंड मेथड भी है। सो इसमें भी हमारे पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कैलकुलेट दी सुपर प्रॉफिट। सो सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको यूज करते हुए हमें सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरी बनाई है सुपर प्रॉफिट का मेथड, उसमें हम सुपर प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको अच्छी तरह समझना है कि सुपर प्रॉफिट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस वीडियो को प्लीज रेफर कीजिए। अगर आपको वो टॉपिक आता है सुपर प्रॉफिट का, तो इसको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सबसे पहले हमें जो ईयर वाइज प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, मतलब जो ऐड करना है जो लेस करना है उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम उसको एवरेज कर देंगे। एवरेज कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर,
और जितने भी ईयर्स होंगे उन सब की अमाउंट ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे, ऐड लेस करने के बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, सो वो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला तो इसी वीडियो में मैंने बता दिया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज भी किया। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दिए हैं। सो एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। सो डिफरेंस लेने के बाद हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट जो अमाउंट आएगी मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम 100 के साथ और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। ऐसा करने पर हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सो ये हमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं। कैपिटलाइजेशन रेट 20%। कैपिटलाइजेशन रेट को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, सो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 2 लाख। नेट एसेट्स को हम क्या कहते हैं, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इसको हम कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसमें से हम लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं बताया गया कि नॉर्मल लॉस नॉर्मल गेन क्या हुआ, या फिर कौन सा एबनॉर्मल गेन हुआ, या फिर कौन सा एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, इसका मतलब ये एडजस्ट किया गया प्रॉफिट ही है। अब इसको हम डायरेक्टली एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करना है, 54,000 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 और डिवाइड करेंगे प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 5 के साथ। सो इसको प्लस करके मैं अमाउंट लिख देता हूं, ये हमारे पास आएगी 22,32,00। ये हमने सभी ऐड किए हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन था। अगर कोई एक ईयर का लॉस गिवन होता तो उसको हम लेस करते। डिवाइड करने पर हमारे पास अमाउंट आएगी 44,640। यहां पर एक करेक्शन है, 2,61,000 आएगा प्लस करने पर। सो ऐड करने में मिस्टेक हुई है, 2,61,000 आएगा। और जब हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 52,200। सो ये हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम यहां पर लिख देते हैं 52,200। इसमें से अब हमें लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कैपिटल इंप्लॉयड होगी उस पे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। 52,200 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म आर रुपीज 2 लाख, जिसको हम कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। सो 2 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%।
सो ये हमारे पास आ जाएगा 52,200 -40,000। डिफरेंस लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सो ये हमारे पास आ गया सुपर प्रॉफिट के अमाउंट। अब सुपर प्रॉफिट में हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप गुडविल का। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो सुपर प्रॉफिट हमारा आया 12,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 20। सो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगी अमाउंट रुपीज 61,000। सो ये हमारी आ गई गुडविल की वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो 61,000 जो आंसर हमारा सुपर प्रॉफिट से आया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हमें इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहा जाता तो भी हमारा आंसर सेम ही आता, 61,000। इसी क्वेश्चन में हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर चेंज होता है या फिर उतना ही आता है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट हमने इसमें किया था तो हमारा आया था 52,200। सो अमाउंट वही रहेगी एवरेज प्रॉफिट की, वो चेंज नहीं होगी। सो वो हमारा आ गया 52,200। सेकेंड स्टेप था हमें चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा वही रहेगा 52,200 मल्टीप्लाई 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया था 20%। सो इसके ऊपर 20% हम अप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,61,000। थर्ड स्टेप में हमें चाहिए था कैपिटल इम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट वैल्यू, जो कि हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन नहीं होती तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती। सो अब डायरेक्टली गिवन है तो इसको हम लिख देंगे। लास्ट स्टेप हमारे पास था कि सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई उसमें से हम डिडक्ट करेंगे थर्ड वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम माइनस करेंगे नेट एसेट्स की वैल्यू। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास आई 2,61,000 और नेट एसेट हमारे पास गिवन है 2,00,000। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 61,000 अगेन। सो आई होप अब आपको दोनों मेथड्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में कहा जाता है तो आपको दोनों ही मेथड्स अप्लाई करने हैं, लेकिन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया जाता है कि सुपर प्रॉफिट से करना है या फिर एवरेज प्रॉफिट से करना है, तो आपको सिर्फ वही मेथड लगा के आंसर फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको ये मेरे स्टेप्स इजी लगे हैं और वीडियो में समझ आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए।